अब हम तेल डाल देते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रंजना वेज फूड चैनल में। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम फिर आए हुए एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बहुत ही तीखा और चटपटा रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आज हम अचार की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। देखिए, ये लाल वाला मिर्च मैंने मार्केट से मंगवा लिया हुआ है। तो एकदम लाल वाला मिर्च मैंने मार्केट से मंगवाया हुआ है, जो कि एकदम मोटा है और एकदम लाल है। तो आज इसका हम भरवा अचार आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या क्या सामग्री लिया हुआ है, आइए आप लोग को दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने, देखिए, मोटा वाला और लाल मिर्च लिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है अजवाइन, अमचूर पाउडर, और यहाँ पर लिया हुआ हींग, यहाँ पर मैंने सौंफ लिया हुआ है, मेथी, जीरा, धनिया, और ये सूखा लाल मिर्च, और ये पीली वाली सरसों, हल्दी पाउडर, सरसों का तेल, नमक और अचार रखने के लिए। तो सबसे पहले हम मिर्च को धुल करके इसको अच्छे से धूप में सुखवाएंगे। अभी देखिए, मिर्च धो करके धूप में डाल दिए हुए सूखने के लिए। तो अब यहाँ पर हम डब्बा साफ कर रहे हैं, इसी में हम अचार रखेंगे। तो गर्म पानी और सोडा से बढ़िया से डब्बा हम धुल करके साफ करेंगे। तभी देखिए, यहाँ पर मैंने डब्बा अच्छे से धुल कर साफ कर दिया हुआ है। अब इसको हम धूप में रखेंगे सूखने के लिए। धूप में डब्बा सूखने के लिए रख देते हैं। अभी देखिए, मिर्च मैंने धूप में सुखवा करके ले लिया हुआ है। देखिए, मिर्च में थोड़ा थोड़ा नरम चमड़ा दिखाई पड़ने लगा है, इतना मैंने इसको सुखवाया हुआ है। अभी अच्छे से सूख चुका है, तो अभी हम इसको यहाँ से कट करेंगे। देखिए, इस तरीके से पहले इसका डंठल हटा देते हैं, और इसके बाद ये देखिए मैंने कट कर दिया हुआ है। अब इसका हम बीज निकालेंगे। इसका जो बीज है इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इसका बीज मैंने निकाल दिया हुआ है। मिर्च को एकदम से खोखला करेंगे इसका बीज निकाल करके। ये देखिए, मैंने इसको एकदम से खोखला कर दिया हुआ है। अब इसको यहाँ बगल में रख देते हैं। अब देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से दूसरी मिर्च का भी हम यहाँ से कट करेंगे, और इसका भी बीज निकालेंगे चाकू से, ऐसे घुमा घुमा करके ऐसे घुमाते जाएंगे, तो इसका बीज जो है आराम से निकल जाएगा। देखिए, इसका भी बीज जो है निकल गया है। देखिए, तीन मिर्च का बीज मैंने निकाल दिया हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से पूरा मिर्च का बीज हम निकाल देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने सभी मिर्च का जो है बीज अलग कर दिया हुआ है। तो इतना ढेर सारा यहाँ पर देखिए बीज निकला हुआ है। अब इसको हम फिर से धूप में रख दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें जो मैंने बीज निकाला हुआ है, इसमें जो पानी हल्का फुल्का होगा वो सब सूख जाएगा। तो अब यहाँ पर चूल्हा मैंने आग जला लिया हुआ है, और चूल्हा पर रख देते हैं कढ़ाई। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, सभी खड़ा मसाला हम भूनेंगे। तो धनिया डाल दिए हुए हैं, धनिया हमको कम लग रही है तो थोड़ा धनिया और ले लेते हैं, और सौंफ, जीरा, मेथी, सूखा लाल मिर्च, और ये पीली वाली सरसों। देखिए, मसालों में से कितना अच्छे से चिकटने की आवाज आ रही है। मसाला मैंने हल्का से भून लिया हुआ है। अब इसको हम उतार लेते हैं कढ़ाई को चूल्हा से नीचे। अब सभी मसाला जो है हम सिलबट्टे के पास लेकर आ गए हैं, तो कढ़ाई में ही रहने देंगे मसाला, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लेकर के सिलबट्टे पर हम पीसेंगे, क्योंकि मसाला जब गर्म रहेगा ना तो बहुत ही बढ़िया से पीसा जाएगा। यहाँ पर देखिए, इतना दरबर मैंने मसाला रखा हुआ, तो कोई भी अचार बनाए तो इतना दरबर मसाला रहता है, तभी अचार खाने का टेस्ट आता है। यहाँ पर देखिए, मैंने पूरा मसाला जो है पीस लिया हुआ है,
अब इसको हम थाली में रख लेते हैं उठा करके। हम इसमें मिला देते हैं अमचूर पाउडर और ये मैंने अजवाइन लिया हुआ है। अजवाइन को हल्का सा हाथों से मसल के फिर उसके बाद मिलाते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं नमक। तो अचार में हम नमक की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे, तब इससे क्या होता है कि हमारा अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। अब हम इसमें मिलाएंगे हींग। हींग जो होता है पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, इसीलिए कोई भी अचार बनाए तो उसमें हींग ज़रूर डालें। अब हम इसमें डाल लेते हैं तेल। तेल डाल करके अच्छे से सभी मसाला जो है मिला देते हैं। अब हमारा ये मसाला जो है एकदम से तैयार हो गया है। तो अब हम मसाला जो है मिर्च में भरेंगे इस तरीके से, एकदम दबा दबा करके भरेंगे। देखिए एक मिनट में मैंने अच्छे से जो है मसाला भर दिया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर मैं दूसरे मिनट में भरूंगी, तो ऐसे उंगली से दबा दबा करके बढ़िया से भरेंगे। देखिए इसमें भी मैंने अच्छे से भर दिया, इसको भी ऐसे लेते हैं। ये देखिए इसमें मैंने भर दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे ही पूरे मिर्च में हम मसाला अच्छे से भर के तैयार करेंगे। तो अचार जब बनने लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अचार ऐसे बाहर बैठकर बनाते हैं, तो ऐसे बात करते रहते हैं और अचार बनाते रहते हैं, काफ़ी बढ़िया लगता है। क्योंकि ये साल भर के लिए स्टोर करके रखना होता है, इसीलिए अभी ज़्यादा मन लगता है इसको बनाने। तो कई सारा मसाला इसमें मिक्स है और वो भी भुना हुआ है, तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अभी यहाँ पर मैंने पूरा मिर्च में मसाला अच्छे से भर दिया हुआ है। देखिए ये लास्ट वाला बचा हुआ है, इसमें भी बढ़िया से भर देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सभी मिर्च में जो है अच्छे से मसाला भर के तैयार कर दिया हुआ है। ये कितना अच्छा लग रहा है। तो चूल्हा पर रख देते हैं कढ़ाई और अब हम इसमें तेल गरम करेंगे अचार में डालने के लिए। तेल गरम करके डालेंगे तो हमारा अचार जो है जल्दी खराब नहीं होगा, काफी दिन तक चलेगा। तेल गरम हो गए हैं, देखिए इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गए हैं। तो कढ़ाई जो है बगल वाले चूल्हा पर रख देते हैं और तेल अभी हम ठंडा कर लेते हैं। अब सभी मिर्च को हम एक डब्बे में रखेंगे। देखिए डब्बा हमारा कितना बढ़िया से सूख गया है। इसको हम मिर्च को रखेंगे डब्बे में इस तरीके से। जितना बढ़िया हमारा डब्बा जो है सूखा रहेगा, पानी में नहीं रहेगा, उतना अचार हमारा काफी दिन तक चलेगा। देखिए हमारा डब्बा जो है भर गया है एकदम से। तो अचार हमारा एकदम परफेक्ट आ गया है डब्बे में, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम तेल डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा तेल डाल दिया हुआ है। देखिए पूरा अचार में अच्छे से तेल जो है लग चुका है। अब हम डब्बे का ढक्कन कर देते हैं बंद और दो दिन तक इसको हम, देखिए डब्बे का ढक्कन मैंने अच्छे से ढका हुआ है, बंद कर दिया हुआ है। अब इसको हम पूरा दो दिन तक धूप में रख करके सुखाएंगे, इसके बाद ये हमारा जो अचार है खाने के लिए एकदम से तैयार है। तो इस अचार को आप दाल चावल के साथ खाइएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगा दाल के साथ, और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा आएगा।
आज मैंने आप लोगों के साथ अचार की रेसिपी शेयर किया हुआ, जो कि मोटा और लाल वाला मिर्च का अचार, भरवा अचार। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस अचार को आप सालों साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, काफ़ी दिन तक खराब नहीं होगा ये। अब मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।